नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं रवीश पाल सिंह मध्य प्रदेश की तमाम सियासी घटनाओं का विश्लेषण आप तक लेकर आता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अगले 3 साल तक के लिए एक स्थिर सरकार को लेकर के सुरक्षित हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ अब एक नए मिशन में जुट गए हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बुधवार को जन्मदिन भी है और इस मौके पर हमने कांग्रेस के कई हमारे जो सूत्र हैं उनसे बातचीत की है और जो बातचीत में निकल के आया वो ये कि कमलनाथ भले ही ये जन्मदिन भव्य पैमाने पर ना मना पाए हों कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद, लेकिन वो एक नए मिशन में जरूर जुट गए हैं और ये नया मिशन है मिशन 2023। यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो आज से 3 साल बाद होंगे, यानी 2023 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी तैयारी में कमलनाथ अभी से जुट गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने सपा बसपा निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार 1.5 साल भी नहीं टिकी और मार्च 2020 में यानी इसी साल कमलनाथ सरकार गिर गई। उसके बाद अब उपचुनाव हुए, 2 साल में 2 चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और अब अगला चुनाव 3 साल बाद ही होगा, यानी 2023 का विधानसभा चुनाव कमलनाथ के लिए ये एक बड़ी चुनौती की तरह होगा। कमलनाथ चाहते हैं कि 2018 में जो पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी अपने दम पर नहीं ले पाई, कम से कम उसे वो बदलें और 2023 के जब विधानसभा चुनाव हो तो उसमें कमलनाथ उसे लीड करें चुनाव को और कांग्रेस उसमें पूर्ण बहुमत लेकर के अपनी सरकार मध्य प्रदेश में बनाए, जिससे इस बार जो घटनाएं हुई कांग्रेस सरकार के साथ मध्य प्रदेश में वैसा ना हो। लेकिन उससे पहले कमलनाथ के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं मिशन 2023 को अगर छोड़ दे तो। इन 3 चुनौतियों के नाम है नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, मंडी के चुनाव। इन 3 चुनावों में कांग्रेस को अपना दम साबित करना होगा, दम दिखाना होगा। यदि 2023 को लेकर के कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी वाकई गंभीर है तो 2023 से पहले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और साथ ही में मंडी चुनाव में कांग्रेस को ये साबित करना होगा कि वो मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, पार्टी एकजुट है। 2018 के बाद जो 2020 में हुआ वैसा 2023 में नहीं होगा और इसके लिए कमलनाथ ने बकायदा तैयारियां शुरू भी कर दी है। अब तैयारियां शुरू कैसे की हम आपको बताते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। कमलनाथ ने क्या किया, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उसमें से 19 सीटें भाजपा जीत गई, 9 सीटें कांग्रेस के खाते में आई। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी हार थी ये, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि तमाम वो नेता जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर के भाजपा में गए और चुनाव लड़े उन्हें करारी शिकस्त देखने को मिलेगी, जनता उन्हें नकार देगी, दल बदलू नेता को जनता पसंद नहीं करेगी, गद्दार और बिकाऊ के नारे कांग्रेस ने खूब चलाए पूरे चुनाव में, लेकिन वो काम नहीं किए और आखिरकार भाजपा में जो तमाम नेता गए थे कांग्रेस छोड़ करके उनमें से ज्यादातर चुनाव जीत गए। कांग्रेस में इसके बाद बवाल शुरू हुआ कि कमलनाथ जो है उन्होंने ही सारे टिकट दिए थे, जमीनी नेताओं को नजरअंदाज किया गया, सर्वे कराया गया, सर्वे किस आधार पर हुआ, इसको लेकर के भी काफी विवाद हुआ। पार्टी के अंदर से आवाजें आई कि कमलनाथ की जो लीडरशिप है उसके अंदर ये चुनाव हारे हैं हम और ऐसे में उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कमलनाथ ने चुनाव नतीजों के अगले दिन यानी 11 नवंबर को उनके निवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई। अब इस विधायक दल की बैठक में सिर्फ विधायक नहीं थे बल्कि तमाम वो प्रत्याशी कांग्रेस के जो जीते और हारे वो प्रत्याशी वहां मौजूद थे। विधायकों और प्रत्याशियों के अलावा कांग्रेस के 19 जिलाध्यक्ष, 19 इसलिए क्योंकि कांग्रेस ये जो विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे ये 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर हुए थे, तो ऐसे में उन पदाधिकारियों को भी बुलाया गया। अब इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ये जो बैठक बुलाई गई थी ये सिर्फ विधानसभा उपचुनाव में जो हार हुई है उसके लिए नहीं थी। हार पे मंथन जरूर हुआ लेकिन इस हार पे मंथन के साथ ही आगे की चुनौतियों के लिए, आगे क्या रास्ता कांग्रेस को अख्तियार करना है ताकि 2023 से पहले ये एक तरीके से जो
सत्ता के सेमीफाइनल वाले चुनाव जिन्हें माना जा रहा है, नगरीय निकाय के चुनाव हो, पंचायत के हो, मंडी के चुनाव हो, इनमें कांग्रेस को कैसा प्रदर्शन करना है, इसकी भी एक रूपरेखा तैयार की गई। कमलनाथ पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे कमलनाथ रिटर्न टिकट लेकर के दिल्ली या बंगाल वापस चले जाएंगे, लेकिन कमलनाथ ने पलटवार किया भाजपा के इस आरोप पर। विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, 2023 का चुनाव भी वो मजबूती से लड़ेंगे भाजपा के सामने। यानी स्पष्ट हो गया है कि कमलनाथ कम से कम मध्यप्रदेश की राजनीति से इतने जल्दी विदा नहीं लेने वाले हैं, और इसीलिए इन तीन जो छोटे चुनाव अब आ रहे हैं, नगरीय निकाय, पंचायत और मंडी के चुनाव, इस पे कांग्रेस अपना दमखम साबित करने में जुट गई है। बाकायदा मंडल से लेकर के हर बूथ स्तर पर कांग्रेस अब कार्यकर्ताओं को नए सिरे से खड़ा कर रही है। माना यह जा रहा है कि एक तरीके से ये एक नई सर्जरी होगी पार्टी के भीतर। सर्जरी इसलिए क्योंकि जो घटनाक्रम मार्च में घटित हुआ उसके बाद काफी ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बन गई कि अब वाकई में कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता कौन से हैं जो पार्टी के लिए ईमानदारी से खड़े रहना चाहते हैं, या फिर वो जो मार्च में हुए घटनाक्रम के दौरान और उसके बाद लगातार पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि त्योहारों का ये जो पूरा एक सीजन निकल जाए, दिवाली क्योंकि अब बीत चुकी है, ऐसे में अब कमलनाथ पूरी तरीके से जुट गए हैं 2023 से पहले। इस 2023 का जो मिशन है उनका, उससे पहले इन नगरीय निकाय चुनावों में, सत्ता के सेमीफाइनल के इन चुनावों में अपनी ताकत को दिखाने के लिए और एक बड़ी जीत कांग्रेस इसमें हासिल करे, उन तमाम तैयारियों में न केवल कांग्रेस बल्कि खुद कमलनाथ जुट गए हैं, क्योंकि उनके लिए अगला 2023 का जो चुनाव होगा वो साख का चुनाव होगा, और अगर कांग्रेस को उसमें बेहतर करना है तो उन्हें 2023 से पहले मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का डंका जरूर बजाना होगा।